Hello everyone, welcome back to our channel. Say hi. तो जैसे आप देख चुके होंगे हमारे backpacks हो चुके हैं तो हम कहीं जा रहे हैं. I think इतना luggage लेके तो आपको idea होगा कहाँ जा रहे हैं और title से भी पता चल गया होगा. कहाँ जा रहे हैं जियाना? कहाँ जा रहे हैं? जियाना बिल्कुल candy crush लग रही है. तो हम जा रहे हैं इंडिया विंटर्स के लिए. तो आप ये नहीं पता कौन कौन जा रहा है, सिर्फ मैं और जिया नहीं जा रहे हैं. अचल नहीं जा रहा है क्योंकि अचल का प्रोजेक्ट चल रहा है तो अचल को छुट्टी नहीं मिल रही है. सब जियाना से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है. दादा दादी नाना नानी, काफी इम्पोर्टेंट व्लॉग होने वाला है. एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ. नर्वस ज्यादा हूँ क्योंकि बच्चे के साथ पहली बार ट्रेवल कर रही हूँ, वो भी अकेले, वो भी फ्लाइट में. तो अभी मैं शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ जियाना के साथ. तो ये एक पैकेट मैंने बनाया है जिप लॉक में. एक यहाँ पे कपड़े रखे हैं, डायपर रखा है, कोम रखा है और वाइप्स हैं और ये नोज क्लीन करने के लिए और ये हैंकी. और ये एक है जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. बाकी सारे इसके एक्स्ट्रा स्टफ है क्योंकि ये सारा तो कैरी ऑन ऊपर हो जाता है फ्लाइट में. तो ये मैं बिल्कुल सीट के आगे रखूंगी. इमरजेंसी आई तो भागो एकदम डायपर चेंज करने. कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है कभी कभी. तो बस उसके लिए ये मैंने रेडी कर लिया है. और मैं इसकी मेडिसिन भी लेके जा रही हूँ, पेन किलर लेके जा रही हूँ और विटामिन डी साथ में, इन केस अगर फ्लाइट में कुछ भी इसको पेन होता है तो वो भी मैंने साथ में रख लिया. कैप पूरी नीचे आ रही है इसकी. ये स्नोफ्लेक्स हैं सारी रात में जो जम गई हैं शीशे पे. तो बस भगवान का नाम लेके चलते हैं. आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए. सॉल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट में मिलते हैं. तो अभी बस 15 माइल्स बचा हुआ है एयरपोर्ट, तो हमने एक ब्रेक लिया है. मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लेते हैं. कुछ नमक का नहीं खाया, ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी डाउन हो रही है. पता नहीं क्यों व्रत जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, जैसे मैंने फास्ट रख रखा है. कैसी है नीनू कैसी है? ध्यान से जाना ठीक है. बाय कर दो जीनू डैडी को. बाय जीनू, मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना. अच्छे से जाना. बिल्कुल डैडी, समझ में आ गया सब कुछ. मैं तुम दोनों को मिस करूंगा. दोनों को हम भी मिस करेंगे. मैं कोरोना सारा. कोई नहीं, ध्यान रखना ठीक है. ठीक है, बाय बाय. सिक्योरिटी चेक इन हो गया था और अभी आके मैं बैठ गई बोर्डिंग गेट पे. कुछ करने को है नहीं, बोर हो रही हूँ. सच्ची बताऊँ तो लैपटॉप खोल के सोचा कि कुछ असाइनमेंट ही सबमिट कर दूँ, बट अभी इतनी नींद भी आ रही है ना, थोड़ा नशा हो रहा है नींद का और प्यास भी लग रही है. पता नहीं क्यों मैं पानी की बॉटल लेकर नहीं आई, लानी चाहिए थी. पिछली बार लेके गई थी तो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत भारी हो गया बैग जो कंधे पे रहता है, तो इस वजह से मैं इस बार लेकर नहीं आई. अब प्यास लग रही है, अब जियाना को छोड़ के अकेले नहीं जा सकती. फिर अभी बस जियाना सो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि यार अभी ये इस टाइम सो गई है तो फ्लाइट में सोएगी या नहीं सोएगी. थोड़ा डाइसी हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, बट देखते हैं कैसा रहता है सब कुछ. पता
पता नहीं, मुझे ही ऐसा लगता है कि जब भी मेरी कोई फ़्लाइट होती है, चाहे कोई भी फ़्लाइट हो, मैंने कितनी फ़्लाइट्स ली है डिफरेंट डिफरेंट, इस बार मेरी डेल्टा की फ़्लाइट है, पहले कतर की भी रही है, एयर फ्रांस की भी रही है और यूनाइटेड भी ली है, पता नहीं जब भी लेती हूँ ऐसा क्यों होता है कि मेरे को गेट हमेशा लास्ट का ही मिलता है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि पहला गेट कभी नहीं मिलता फ़्लाइट में, इंडिया से वापस आते हुए भी तब भी ऐसे ही होता है मेरे साथ? तो मैं सोचती हूँ यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जाता है ये चेंजिंग स्टेशन बन जाता है, तो यहाँ पे डायपर चेंज करने में इजी होता है। तो अब हमने डायपर चेंज कर लिया है। ये नीनू पूरी हो गई जियाना, जियाना बोलता है बस इस पे से उठो जल्दी चले, हो गया चलो कम लेट्स गो। सो गाइस अभी हम पेरिस पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारा एक कनेक्शन है 2.5 घंटे बाद, और जियाना मेरे को बैठने नहीं दे रही। से हाय जियाना। जियाना के मैंने कपड़े चेंज कर दिए। तो अभी हमारा 2.5 घंटे के बाद है एक कनेक्शन, तो सोच रही थोड़ा सा एयरपोर्ट घूम लेती हूँ पास में ही जितना भी दिखेगा। और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर देखते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। अब हम इंडिया लैंड कर चुके हैं, अभी हमें सिर्फ 12 घंटा हुआ है। जियाना के कपड़े चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि ये पूरे टाइम मेरी गोदी में ही सोई है, बेसिनेट पे बिल्कुल 15 मिनट बस। तो बस थोड़ा सा लॉक हो गई है बॉडी, मूव करना पड़ेगा और बैग लेना है जाके, आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और फैमिली आई है, देखिए कौन आया हमसे मिलने। वेलकम टू इंडिया जियाना, वेलकम टू इंडिया।